हाँ जी ने पता कितनी बड़ी फ्लेम मारी है पहली बार जिंदगी में। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी भाई, एक बार आधे मंजिल की फ्लेम निकली है। देखो एक पिस्टन तो निकाल दिया है। बहुत drinking sodas, I get high on my own, sir. Heard you gon' clone, sir. Stop all that messy dumb, nigga don't wanna go. Got enough to stay. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगे। सो अब जैसा कि आपने पिछली ड्रैग देखी होगी कि मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब कुछ भी चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो अब देखते हैं, इसमें ऑडियो आती है नहीं आती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आज कुछ दिन नहीं अपना। तो फिलहाल हमारे सामने अपनी वेनम है जो कि Z90, और दूसरे हमारे सामने CBR 600 RR। अब सोच रहे होगा इसका जी से कंपैरिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि जी से कंपैरिजन हमने डेटोना के किया था। तो डेटोना एक्सेलरेशन में तो नहीं बट टॉप एंड में ऑब्वियसली आगे गई थी, तो हमने सोचा ये स्लो इससे भी फास्ट है डेटोना, तो इन दोनों का कंपैरिजन करना बनता है। फिलहाल के पावर फिगर्स की बात करें तो मेरी जी प्रोड्यूस करती है 125 BHP के आसपास, ये प्रोड्यूस करती है 1617 BHP के आसपास, ये प्रोड्यूस करती है 64 Nm ऑफ टॉर्क, और ये प्रोड्यूस करती है 98 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब अभी एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद तो 100 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस कर ही रही होगी, और एग्जॉस्ट सिस्टम आपने पिछली बार उसका सुनी लिया। अपनी वाली वेनम में लगा है टाइटेनियम एरो का एग्जॉस्ट जो कि बहुत लाउड है, जो आप सब जानते ही हो कि उसके क्रैकर्स ऑप्शन बैंक्स जो इतने खतरनाक ऑप्शन बैंक आते हैं वो तो। और आज एक चीज और दिखाता हूँ, किस्मत इतनी खराब है कि इधर का लीवर प्रोटेक्टर भी गिर गया है। इधर तो लगा है, नहीं हिल रहा है, इधर का उड़ गया। कभी कुछ उड़ रहा है, कभी कुछ उड़ रहा है, कभी ऑडियो नहीं आ रही है। थोड़ी देर में मैं रो दूंगा। सो एक चीज अच्छी मिलती है आपको, ये 18 साल पुरानी होने के बाद भी, मतलब बहुत बार ऐसा मेंशन कर दिया है, इसमें आपको मिलते हैं एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट के, उसमें नहीं मिलते हैं। खैर ये हमारे आए हैं लखनऊ के फेमस तेली बाग वाले डांसर, जो मैंने तुमको तेली बाग वाला डांसर दिखाया था। भाई कैसे ऐसे देखो फ्लो जा रहा है, ये इसकी वजह से मेरी बोन फील हो रही है ना, तो बहुत ज्यादा। हां सो इस कंपेयरिंग को भाई बड़े डिस्टर्बेंस होने लगा आज का एक्सप्रेस पे। सो इस ड्रैग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सीधा बाइक्स पे आपको। मोड है भी, मोड है। पैर को मोड में डाल लाओ। अच्छा पैर को स्पोर्ट्स मोड में। मुझे इसका बहुत गम है गाइस। अब रोलिंग होने वाली है। थ्री टू वन ऑफ। चलाने के बाद ऐसा फील हुआ, हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें रेव बैंड बहुत ज्यादा है पर ऐसा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ भाई वो फर्स्ट में रहेंगे, मैं दूसरा। चलो डरा दिया। सो डेफिनेटली यार टॉप एंड उसका जरूर अच्छा होगा, बट जी इतना गैप मेंटेन कर देगी
कि उसको आने में मतलब टाइम लगेगा, आ तो हो जाएगी कवर अप करके, बट जी का एक्सेलरेशन इतना हार्ड है कि उसमें इतना गैप मेंटेन हो जाता है कि उसको आते आते टाइम लग ही जाना है। भाई तो कुछ इस तरीके का था कंपैरिजन। तो फिलहाल अभी रुकते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है। मुझे नहीं पता कितना गैप मेंटेन करा मैंने, कैसा करा, कुछ भी नहीं पता, तो अब वो पता चलेगा उधर रुकने के बाद ही। या सोचता हूँ, देखता हूँ राइडर स्विच करने का मन हुआ तो राइडर स्विच करेंगे, बट डेफिनेटली जी ज़्यादा फास्ट है और पावर फिगर्स में भी डिफरेंस तो ऑब्वियसली यार है ही। सबसे बड़ी बात होती है जी के साथ, उसको कंट्रोल करना, उसको नीचे रख के रखना। भाई फर्स्ट सेकंड गियर है तो जी को आप मतलब रॉकेट बनते देखोगे। बता रहे तुम धीरे मत करो भाई, धीरे नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। अबे नहीं, एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया था। बहुत ज्यादा गैप मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ना, डेटोना से भी ज्यादा। अब ऑब्वियसली भाई दिस इज Z9 एंड्रॉइड, ये शॉर्ट गेट है ना। हां लेकिन इन पर आ रही थी पीछे पीछे। अरे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन इनिशियल में तो मैं स्लिप कर रहा था तब आ रही थी। ये तो सुपर बाइक में स्लिप स्लिपिंग तो नहीं करती जाती है, 150 200 सीसी तक समझ आता है भाई स्लिप स्लिप करने पे। अच्छा देखो, एक चीज है जो Z कर सकती है बट वो नहीं कर सकती है, ये चीज वो नहीं कर सकती है कभी भी। करके दिखाओ, आगे भी थी, उसके बाद भी मैंने कवर अप कर दिया। मैंने क्या मतलब, ऑब्वियसली जीन है। कैमरा ने फिर से धोखा दिया, कैमरा भैया को सलाम करो। साहब कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होकर हम लोग चल रहे हैं आज। इस बार गियर शिफ्टिंग सही नहीं कर पाया था मैं, आ जाओ।
कैसा हो गया भाई, आवाज चली गई मेरी, गायब हो गई आवाज। जीत गए। वो भी ब्लू नहीं, एकदम येलो। देखो तुम यूथ है, यूथ इतनी मैं यू देखा एकदम वो बॉब। लेकिन आपको पता है एंड रिजल्ट क्या रहा है, इससे जीतना बहुत मुश्किल है। ऑल द वे फेवरेट मोटरसाइकिल है, बट एक दिस समथिंग डिफरेंट करने के बाद उसने जो गैप मेंटेन किया वो इतना ही था, लेकिन वो गैप पीछे नहीं कर पा रही थी इस बार। अगर मैं स्लिप स्ट्रीम करता तो डेफिनेटली निकलती, बट फिर आपको बाइक का पोटेंशियल कैसे पता चलता कि जब नेक के पीछे अगर स्लिप स्ट्रीम कर लिया तो क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब। मुझसे पूछो 255 पे ऐसा विंड लॉस आ रहा था, मैं तुम्हारी गाड़ी का हैंडल थोड़ा वॉबल करता है ना, अरे उतना तो चलता है। मैं तो रोक देता हूँ, मैं नहीं रिस्क लेता बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग ये कंपैरिजन फन के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको हाँ ये बाइक को जिताना ही जिताना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो दिखा देते हैं, जितना पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं उतना हम निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए और क्या। तो ये थे रिजल्ट्स, कैसा रहा जी, डेफिनेटली। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके फटाफट से कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।